आप देखो एक लफ्ज है जो बच्चे बोले तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बोले तो बहुत बुरा लगता है। क्या लफ्ज है? मम्मा। हाँ है? क्योंकि क्योंकि बड़े को माँ कहते हैं, या माँ। तो अम्मी बोले या माँ बोले, हम मम्मा बोलेंगे तो बुरा लगता है ना यार। दो घंटे पहले मैंने उसको बोला, शो से पहले मैंने बोला यार दुआ करना मेरे खालू को, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे यकीनन आपके खालू ने कोई बदतमीजी की होगी। अमेज़न तल तला ले तुम, बल्कन तल तला ले तुम, अदमियन तल तला ले तुम। और आज के दौर में तो अगर बच्चा ज्यादा खाने लगे ना तो घर वाले समझते हैं ये बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनेगा। अब एक लड़का एक लड़की से कह रहा है मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। लड़की कह रही क्यों, तुम क्या खुश रहे हो? अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। बट आप इतने ज़हीन हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दें। ये बताइए मिर्चे मुंह के अलावा और कहाँ लगती है? दान में नहीं, खेतों में। कहां बाजी साहब, अभी तू जो पहली बात है बलकर अंकल की, बलकर अंकल की गर्लफ्रेंड की इज्जत दूसरी किसी है? हैं हैं, इनकी गर्लफ्रेंड से शिकायत क्या कर ली है? कह रही है बताओ बलकर बदला लेना या पैसे? हाँ। ये बताइए बेटा, एक मुर्गी अपने तीन बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो पांच कैसे? भाई बच्चा है कुछ भी बोल सकता है। बोले दादी दादी आपके दांत हैं? कह लेंगे नहीं बेटा वो तो कब के टूट गए। कह रहे ये अखरोट रख ले शाम में ले लूंगा। रमजानों में जो भी चीज बनती है ना लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। मेरा पीछा मत करो, मेरी अम्मी तुम्हारे पीछे आ रही है। मैं तो हम खानदानी आशिक है, उनके पीछे मेरे अब्बा आ रहे हैं। देखो आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि मंगनी के बाद रुखसती से पहले से कब्जा ले चुके होते हैं। हाँ ये देखो मैंने सब गर्मी में ना, हाँ? लोग बस का इंतजार कर रहे थे। हाँ? एक फकीर आया, सबसे भीग ली टैक्सी की और चला गया। नहीं अभी अम्मी अबू ने कोडवर्ड सेट की है, जब मेरा मूड होगा मैं बोलूंगा ट्रेन उल्टेगी, जब तुम्हारा मूड होगा तुम कहना बस उल्टेगी। अब वो दोनों तो कहते हैं बस उल्टेगी ट्रेन उल्टेगी, ये कहते हैं पैसेंजर नीचे नहीं उतरेगा। याद आता है बचपन का वो जमाना, याद आता है बचपन का वो जमाना, वो बंटी का चश्मा लगा के सबको डराना। तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड, तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड, तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड, हो गई है सर्दी टन टना टन टन टना टन टन। के मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हो क्या हाल है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, आप बैठ मेरे घोड़े पे तुझे घर तक छोड़ दूं, टकटक टकटक टकटक। वाह वाह वाह, इसी बात पे, इसी बात को मैं घुमाना चाहूंगा कि बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। वफा ढूंढने निकली थी जमाने में वाईफाई मिल गया और वहीं बैठ गई। हाय के जंगल में है, के जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। हाय हाय हाय, ग़ालिब एंड फ़रास। हमने कहा जरा आपने शेर सुनाया तो शायरी का माहौल बन गया, लेकिन मैंने शेर सुनाया बचपन का। अरे बचपन की, बचपन की क्या बात है यार, है ना। अब आप देखो एक बच्चे आजकल के ज़हीन है, अब एक छोटा बच्चा कह रहा है मेरे घर वाले जो है ना हर बात पे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब मैं स्कूल में फेल होता हूँ उस वक्त घर वाले ये क्यों नहीं कहते? ये बच्चे ने लॉजिक वाली बात की है। हाँ। आप ये देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां स्कूल की वैन और रक्षे में बैठकर पढ़ लेती है। हाय 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 हाय, ये टीचर बच्चे से कह रहा है कि दूसरों के काम आना ही इंसानियत है। तो बच्चा कह रहा है ये एग्जाम के दिनों में ना आप खुद इंसान बनते ना हमें बनने देते। और आप देखो एक लफ्ज है जो बच्चे बोले तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बोले तो बहुत बुरा लगता है। क्या लफ्ज है? मम्मा। हाँ, क्योंकि क्योंकि बड़े तो माँ कहते हैं, या तो अम्मी बोले या माँ बोले, हम मम्मा बोलेंगे तो बुरा लगता है ना यार। अब आजकल के बच्चों को देखो, 9-9 साल के उम्र के बच्चे हाथ में आईफोन लेके घूम रहे हैं। जब 9 साल के तो हाथ में क्या होता था? झुंझुना, या वो एक वो गुलाबी कलर का मोबाइल होता था जिसमें डॉल बनी होती थी। झुंझुना अभी भी है लेकिन हम पकड़ते नहीं है ना, मसला ये है क्योंकि हमने खेलना छोड़ दिया, हम मोबाइलों में लग गए। आजकल का झुंझुना बचता भी नहीं है, जदीद दौर के गेम में लग गए यार। देखिए ये अभी देखिए ये बच्चों में बात हो रही है,
हमारी तीनों की तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन हमने अपने स्टूडियो में आज एक बच्चे को दावत दी है। अच्छा, अब उसकी बातों से पता चलेगा इंसान का बच्चा है, शैतान बच्चा है या फिर शरीफ बच्चा है। मेरा कहने का मतलब यह है, अस्सलाम वालेकुम बेटा। सुबह सुबह जब खिड़की खोलूं बाजू वाली लड़की मेरा दिल ये बोले लालच उस पे थू। बेटा मैंने अब्बा से कहा मेरी शादी करा, अब्बा ने कहा फिर मेरी कहा, नाना को नानी से प्यार हो गया, नानी को सुनते ही बुखार हो गया, बुड्ढा बुड्ढी दोनों पागल हुए, मैं अकेला कमरे में पार हो गया। माई गिर गया माई। अहमद अंतर तला ले तुम, बलकर अंतर तला ले तुम, उद्मी अंतर तला ले तुम। बेटा ये आप लॉलीपॉप अभी यहाँ तो नहीं चूसा, अभी तो आप प्रोग्राम में बैठे हुए। अंकल इसके टूटने से ना दिमाग तेज होता है। तो फिर मियाँ खलीफा का दिमाग तो सबसे तेज होगा। कौन खलीफा? मियाँ बुर्ज खलीफा। बेटा ये दुबई में इमारत है, ये उसकी बात हो रही है। हाँ वो भी खड़ी भी है। हाँ ये बच्चा आज बुलाया है, इसके हम शरारती पूछेंगे। आप रहते कहाँ बेटा? मैं इतनी मुश्किल से अपनी अम्मी ये कहते आया हूँ कि मैं ना अहमद भाई की तूत पे जा रहा हूँ। अच्छा शूट पे जा रहे हैं। हाँ मैं और मुझे इधर पता है, इधर आके उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इस तूत पे ना हम जो ना थुलते ताम तल लेते हैं। थुलते ताम तल। अच्छा खुल के काम कर लेते हैं, मतलब ये हम इस शूट पे खुल के काम कर लेते हैं। अच्छा आपको पता है कि रात को मारे जाने वाली चीजों में मच्छर आज भी दूसरे नंबर पर है? पहले नंबर पे क्या है? वो ताली है जिससे मच्छर मारते हैं। अच्छा बेटा आप इतने ज़हीन हो माशाल्लाह, मैंने आपके बारे में बड़ा मैंने नॉलेज हासिल की है, मैंने आपके मोहल्ले गया आपके हमारे शो में जो गेस्ट आते हैं पहले हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं, वाह वाह वाह, पंचलाइनें निकालते हैं कि क्या क्या एडजस्ट हो सकती हैं। जी जी। और क्या क्या सवाल आपसे एडजस्ट हो सकते हैं? अच्छे लतीफे सुनाइए अंकल। अच्छा नहीं आपके हिसाब से सवाल पूछूंगा, आपकी सारी मैंने मालूम हासिल की है। ये बताए आप अपने अबू के अकेले बेटे हैं और साथ में और भी वारिस हैं? अलावा अबू तो तमले में नहीं जाने देता था। क्यों? मैं गेट पे बैठ जाता था। तो आप एक ही बेटे हैं? हैं? तो बेटा मौका दो ना अब्बू को बेटा, और बहन भाई आए आपके। नहीं नहीं ये बीच में ये अम्मी अबू के बीच में लेट जाता है। अम्मी अबू ने कोटवर्ड सेट की है, जब मेरा मूड होगा मैं बोलूंगा ट्रेन उल्टेगी, जब तुम्हारा मूड होगा तुम कहना बस उल्टेगी। अब वो दोनों तो कहते हैं बस उल्टेगी ट्रेन उल्टेगी, ये कहते हैं पैसेंजर नीचे नहीं उतरेगा। ये बच्चा है एक नंबर की, ये इसकी मैं ये बच्चा है। क्या हुआ? मैंने इस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आप स्कूल जाकर क्या करते हो? कह रहा है छुट्टी का इंतजार। मैंने कहा बेटा आपकी क्लास में कौन नहीं पढ़ता? कह रहा है टीचर। अबे टीचर इससे पूछ रहा है बेटा आप किस दिन खुश होते हो? ये क्या कह रहा है? कह रहा है जिस दिन आप बीमार होते हो। टीचर इससे कह रहा है बेटा हम अपने स्कूल को कैसे क्लीन रख सकते हैं? कह रहा है अपने घर में रहकर। बताओ इसकी बातें सुन लो, इसके मैं बता रहा हूँ ना इसके अब इसको कह रहे हैं बेटा कोई हुनर सीखो आगे काम आएगा। ये क्या कह रहा है? कह रहे मैंने तो सुना आगे सिर्फ अमाल काम आएंगे। ये बात तो सही कह गया। ये मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे आऊँ, मैं सेंट्रल से आ रहा हूँ, पता आप लोगों को कहाँ से आ रहे हो? अपने सेंट्रल से आ रहा हूँ, लेकिन सेंट्रल की छुट्टी आज। अच्छा सेंटर से आ रहे हैं, सेंटर की छुट्टी है यार। आप बेटा मुझे शिकायत है आपके घर से, आप क्लास में गाने गाते हो? मैं गाने नहीं, तो बुरी बात है। मैं गाने नहीं गाता क्लास में, मैं तभी तो गाना नहीं गाया। वो तो मैं उस दिन ऐसे ही बोल रहा था मुझे लंदे मुझे लंदे मुझे लंदे लंदे मुझे लंदे मुझे, तो इस वजह से बस मुझे मिस तो पारा। ये आपने अब्बा से गाना सुना होगा ना? पारा। अच्छा वो टीचर जो थे वो ठीक थे जिनसे आपने उन्होंने बोला था? मत छेड़ रसीनों को, मत छेड़ रसीनों को, ये तेरे बस की बात नहीं। वो खेलती है जिस खिलौने से वो बरकत तेरे पास नहीं। हाँ। ये देखो ये बच्चे आजकल के सच्चे बच्चे, ओए 40 साल का बच्चा ये बच्चा है। क्या हुआ? मैंने ताल तल दिया। ये एक हफ्ते स्कूल नहीं गया। टीचर ने कहा तुम एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आया? कह लगा मैं बीमार था। टीचर कह रही ठीक है कल दवाइयों की पर्ची लेकर आना। ये क्या कह रहा है? नहीं मैंने दम करवाया था। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। जवाब दें जी, ये बताइए मिर्चे मुंह के अलावा और कहाँ लगती है? दांत में नहीं, खेतों में। अरे दांत में लगती है। सॉरी मुंह में लगती है। दिमाग धंधा इतनी सोचते ही यार। उसमें बरकत उसमें भाई, ये बच्चे हैं यार आजकल के। है? यार आपका बचपन भी ऐसे ही गुजरा इतना यार? ये बचपन ही है यार, हम लोग तो बड़े डरपोक से थे ना? तो यार आज देखो आज के बच्चे जब आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को गालियां देते हैं, तेरी ये तेरी वो। हम जब लड़ते थे अपने जमाने में तो नाम लेते थे शोएब दानिश। लेते थे यार, सीधे लोग थे, जहाँ बिठा दिया बैठ गए, जहाँ लेटा दिया लेट गए। और बचपन में यार वो हमारा क्या बचपन था, वो हम तंदूर की रोटी लेने आते थे और आधी खाते हुए आते थे। वो दौर था यार, उसके किनारे खा जाते थे, किनारे खा जाते थे, दही लेने आते थे, लस्सी बना दी रास्ते में, इतना हिला दिया दही। और आज के दौर में तो अगर बच्चा ज्यादा खाने लगे ना तो घर वाले समझते हैं ये बड़ा होके पॉलिटिशियन बनेगा।
बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़े होते ना धातु बनूंगा मैं। डाकू यार, डाकू ना। डाकू क्या हो गया बेटा? बेटा पायलट बनो, इंजीनियर बनो, डाकू बन लो। देते ये सब दो नंबर लोग हैं, एक धातु है जो एक नंबर है, बिल्कुल एक नंबर। दाते हैं, दाते मार लें, ठीक है। और तो कोई सामने चल देगा, ये डॉक्टर इंजीनियर कॉमेडियन, ठीक है, डॉक्टर दल दल दवाइयां दे रहे हैं। आप यकीन करो ये इसी बदतमीजी की वजह से देर से पैदा हुआ है। हाँ तो मैं जुड़वा हुआ था ना, पहले मेरा भला भाई निकला, फिर मैं निकला। अच्छा, अभी क्या गन्ने की मशीन से निकला है क्या? आपके पापा क्या नौकरी करते हैं बेटा? बच्चे निकालते थे गन्ने की मशीन, इनके लेद मशीन पे काम करते थे इसके। अच्छा, आप इतने ज़हीन हो, आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा वो आपका दोस्त। हाँ, शरीफ बना हुआ होता है। अब एक लड़का एक लड़की से कह रहा है, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। लड़की कह रही, क्यों, तुम क्या खुश रहे हो? बेटा आप बालिग हो? कैसे पता चला? अभी कुछ दिनों पहले मैं ना बदाल से गुजरा था। हाँ। तो मैंने दूध की दुकान पर देखा, एक बंदा ना ऐसे चलते ना लस्सी बना रहा था, ऐसे चलते लस्सी बना रहा था, लस्सी बना रहा था। मैंने ये तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं धर गया। मैंने बिल्कुल ऐसे चल के लस्सी बनाई, बस घर वाले समझ गए ये बाली हो गया। ये देखो यार, इतने इतने से बच्चे और इनकी छाड़ेबाजी देखो। छाड़ेबाजी था भाई, अभी तू जो पहले की बात है, बलकत अंकल की गर्लफ्रेंड की इज्जत लूट ली किसी ने। इनकी गर्लफ्रेंड से शिकायत क्या कर ली है? ये बताओ बरकत, बदला लेना या पैसे? मुझे तो लगता है लड़के जो है ना, मुझे तो लगता है लड़के दो जख्म में भी जाके एक दूसरे से कहेंगे, अबे देख यार इबलीस की बच्ची देख कैसी मस्त है। ये कोई बच्चा यार, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा ब्लैकमेल का क्या मतलब है? ये क्या कर रहा? कह रहा काला आदमी। मैंने बोला आगे क्या पढ़ना है? कह रहा निकाह। ये बच्चे की बातें सुनो यार। अंदर एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पूछो। मैं पूछूं? पूछो। अंदर आप मुझे ये बताएं, ते वो तौन थी ऐसी चीज है जो तभी हमारा पिता नहीं छोड़ती? क्या हमारा माजी? हमारा माजी माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा एक और चीज, ज़हीन बच्चा भाई, ज़हीन बच्चा। वो क्या ऐसी चीज है जिसका कोई धर नहीं है लेकिन उसके बजाय कोई धर धारी नहीं है? क्या क्या? पैसा, धन। ओए बच्चा पढ़ा लिखा भाई। वो क्या चीज है जिसके आने से हम गर्म हो जाते हैं और जाने से हम ठंडे हो जाते हैं? जिसके आने से हम गर्म हो जाते हैं, जाने से ठंडे हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। क्या है? क्या? गुस्सा। गुस्सा भाई, सही ना आदमी भाई। एक सवाल है बेटा मेरा, आप इतने सवाल किए। ये बताइए बेटा, एक मुर्गी अपने तीन बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला, आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो पांच कैसे? भाई बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये शराब पीने वालों को शराबी कहते हैं, तो चाय पीने वालों को क्या कहेंगे? चवारी। चवारी? चवारी, चवारी। चल भिखारी। चाय से चवारी बनाया। चाय से चवारी बना। चाय से। कौन सी क्लास में बेटा? मैं अंदर फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट में? फर्स्ट क्लास में। भले बाप की औलाद हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे को उस तलाद में बिठाना जहाँ थारी लौंदिया लौंदिया होगा। देखो इसकी हरकतें देखो यार। ये बेटा पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? गुस्सा हो गया। मैं तो टैप भी उसका लगाता हूँ, इस साइड पे लगाता हूँ टैप। यार देखो कहाँ से आपका आपका अपनी दादी से बोला, दादी दादी आपके दांत हैं? कहेंगे नहीं बेटा, वो तो कब के टूट गए। कह रहा है अखरोटे रख ले, शाम में ले लूंगा। बात बताएं, ये रमजानों में जो भी चीज बनती है ना, लोग थुसी थुसी खा लेते हैं। पाकिस्तान भी रमजान में ही बना। वाह वाह बच्चा, ये बच्चा है, नसीहते वाली बात कर दी बच्चों ने। गहरी बात की इसने भाई, बहुत गहरी बात की बेटा। खाने में क्या क्या पसंद है? लॉलीपॉप क्या? मुझे मुफ्ता बहुत पसंद है, मुफ्ता। लॉलीपॉप किस किस टाइम खाते हो आप? मैं लॉलीपॉप कौन दाइल चाहता है? दाइल लॉलीपॉप टूटते टूटते लॉलीपॉप चूसते हैं। अच्छा अब ये देखो यार, ये बात करें आप, देखो एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही है? लॉलीपॉप नहीं होता फिर क्या चूसते हैं? फिर हम जल्दी चूसते खा रही। अरे भाई ये वो बच्चे हैं जो मार्केट में जाके बड़े बड़े खिलौने मांग लेते हैं ना, और नहीं दिलाओ ना जमीन पे लेटे आते हैं। ये आजकल के बच्चे मैंने देखे। मुझे ना रबल के खिलौने बहुत पसंद है। रबल के हैं? रबल के खिलौने होते डाली पी जाली सीट पे लगे होते, ऐसे ब्रेक मारते ऐसे करके हिलते हैं वो वाले खिलौने। हिलती हुई चीज आपको अच्छी लगती है? बहुत ही लगती है मुझे, भले खिलौने ही क्यों ना हो। कौन से रबड़ के हिलते हुए खिलौने पसंद है? वो गाड़ी के पीछे रखा होता है ना, वो हिलता रहता है यूं करके। हाँ यार ये देखो, ये हमारी तालीम का हाल है यार। आप देखो मेरे मुल्क में जो कुछ होता है दुनिया में कहीं नहीं होता यार। आप देखो हमारे मुल्क की इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटियों का जब जनरेटर खराब होता है ना, हाँ। तो अनपढ़ मिस्त्री आकर ही उसे ठीक कर रहा होता है। वाह 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 वाह। और ये आपने तालीम की बात करी, मैं बोलूंगा यार, हाँ।
जिस अलजबरा को सीखने के लिए हमने इतनी अपनी हड्डियां टुटवाई, उसका काम अभी तक पता नहीं चला जिंदगी। वो अलजबरा था असल में, काम आया कोई अलजबरा कभी, कोई ऐसा हुआ कि आपने अचानक शादीशुदा लोगों को काम आया होगा कभी ऐसा, दूध खत्म हुआ और यार मुझे अलजबरा का फॉर्मूला याद है, अभी दूध बना लेता हूं। होता था ना, डी होती थी, कंपास होता था, हां वो सही होता था। अरे भाई कितनी सही कह रहा, अभी शादीशुदा के काम आया वो आज तक पता ही नहीं चला। अच्छा बात पता क्या है, टाइम तो हो रहा, टाइम तो हो रहा, टाइम क्या होगा, क्या करना है बेटा, ललकी की छुट्टी का टाइम हो रहा है। ये लानत, ये बच्चे की, ये देखो यार इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ललकी, तू जैसे क्या। अच्छा आपको मोहल्ले में कोई टोकन वोकन खिलाता है वीडियो गेम के? मेरे को एक दफा बंदे ने, एक नाम था उनका जावेद भाई, जावेद नाम के होते हैं, टोकन खिलाते हैं। एक बंदा होता है जावेद नाम का, जो टोकन लेके बैठा होता है, आ बेटा खिलाऊं। और ये इन बच्चों को तो कोई टोकन नहीं देता, एक टोकन में आजादी करवा लेते, बोलते हमारी बिजली जाया कर रहा भाई। ये ऐसे बच्चों को टोकन दिया, बोले खेलो। अब मैं तोतन ऐसे तोतन, आपने कभी तोतन डाला? हाँ टोकन, हम तो टोकन डाला और मैं खेलने लग गया, पीछे खड़े हो जाए, मैं फायरिंग वहां कर रहा हूँ, फायरिंग में गेम में चल रहा हूँ। मैंने कहा जावेद अंकल कहाँ जा रही थी, तो चल रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटा, आप खेलो। मैं तो खेल लूंगा, लेकिन आप भी खेल रहे हो, समझ गया। मैंने कहा ये मेरे साथ खेल रहा है, मैं निकला, मैं जाके फोन अपनी अम्मी तो बताया। ये तो खैर सीधी बात कर दी, तो कवर करने वाली बात भी नहीं। अच्छा वैसे एक बात है, आप एक चीज नोट करो, हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है पढ़ाई से बचने के लिए शादी करते हैं, और अक्सर लोग जो है वो शादी से बचने के लिए पढ़ाई करते हैं। बड़ी खतरनाक है हविस की ये बीमारी, बड़ी खतरनाक है हविस की ये बीमारी, बड़ी खतरनाक है हविस की ये बीमारी। एक चीज के पीछे पागल है दुनिया सारी, अब वो क्या चीज है यार बेटा, क्या चीज़ है बताएं, आपने पढ़ा कुछ स्कूल में? हविस्ता होती है, वो जो टोकन खिला रहे थे अंकल, वो हविस होती है, वो जो हविस थी। हाँ हविस बेटा, अभी मुझे याद आ गई, मैंने एक लड़की से पीछा चल रहा था थोड़े दिनों पहले, तो लड़की मुझे कहने लगी तो मेरा पीछा मत करो, मेरी अम्मी तुम्हारे पीछे आ रही है। मैंने कहा हम खानदानी आशिक है, उनके पीछे मेरे अब्बा आ रहे हैं। उसके पीछे नहीं देखा हमने, लड़की के चच्चा होंगे यार। ये जनरेशन है, आजकल की जनरेशन को क्या हो गया यार, क्या हो गया? आप देखो आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि मंगनी के बाद रुखसती से पहले से कब्जा ले चुके होते हैं। हाँ ये बिल्कुल आपने सच बात बेटा, आपको क्लास में कोई लड़की पसंद है? बहुत लड़की, मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। क्या करोगे उसके साथ? मैं उसको लेके भाग जाऊंगा। ओए बुरी बात, तू यार ये लड़की भगाने की बातें कर रहा है। अच्छा टैक्सी चल लूंगा। हाँ तो एक ही बात है, तो फिर एक ही बात है यार, मुझे भाग नहीं कर सकता। तेरे साथ कोई अच्छी लड़की थोड़ी भागेगी। सुन मेरी बात सुने। अच्छा अच्छा, ये दुनिया भर के झोले हैं, आपस में रात में थोने से पहले एक दूसरे को मोहब्बत वाली बातें चलते हैं। हाँ। और हमारे पाकिस्तान में एक ही बात करते हैं, जरा देखना बड़े वाले गेट को ताला लगा दिया। सब गर्मी में ना लोग बस का इंतजार कर रहे थे, एक फकीर आया सबसे भीख ली टैक्सी की और चला गया। देखो यार ये ये लोग तपे पे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लोगों का बुरा हाल हो गया है गुर्बत से। आप यकीन करें, मैं एक बैंक में गया, मैंने चेक जमा करवाया, मैंने बोला यार ये चेक जमा करवाया कितने दिन में पैसे आ जाएंगे? बोला 5 दिन लगेंगे। मैंने कहा यार सामने ही बैंक के 5 दिन लगेंगे, तो मुझे पता है मैनेजर सामने से क्या बोल रहा है। बोला आप फर्ज करें आप कब्रिस्तान के सामने मर जाए तो आपको वहीं दफनाएंगे या घर ले जाएंगे। मैंने बोला भाई लानत तेरे ऊपर, बात तो बड़ी बारीक की है, पैसा आए तो बता दियो। मिसाल कैसी दे रहा है? मिसाल वो दी जाती है जो धैन था तेज हो, ये तो मैं धैन था बहुत तेज हूँ, मेरे अब्बा बहुत तेज है। अच्छा उन्होंने अपने मोबाइल में ना लड़कियों के नाम अलग अलग नामों से सेव किए। तेरे बाप ने एक का नाम लिखा आंखों का इलाज, एक का नाम लिखा हुआ दिल का इलाज, किसी का नाम लिखा हुआ कमल का इलाज, और अम्मी का पता क्या लिखा हुआ है? क्या ला इलाज। और भी लिखे होंगे, किस चीज का इलाज? ताली का भी लिखा हुआ आ इलाज, इलाज और भी लिखा होगा ठरक का इलाज। ये है तो नहीं बताऊं, शर्म आ रही है। नहीं ये मोबाइल का जो चक्कर होता है ना, ये बाज़ औक़ात शादीशुदा लोग पकड़ा जाते हैं। हाँ। अब आप देखो एक बीवी आधी रात को शौहर का मोबाइल चेक करते हुए पूछ रही है, ये इतनी रात को इलियास इलेक्ट्रिशियन ये क्यों पूछ रहा है कि बारिश की बूंदे दिल के तार को हिला देती है। इलियास प्लम्बर पूछ रहा है, बुरा है। आप देखो यार किसी सिचुएशन में आपके बाप बताओ, देखो या तो नाम चेंज करना पड़ेगा या काम या प्लम्बर चेंज करना पड़ेगा। हाँ या क्योंकि वो प्लम्बर लाना पड़ेगा जो लीकेज फौरन बंद करे। हाँ यार बात पता है क्या, देखो ये बच्चा तो कोई ये वो बच्चा है जिसमें मोहल्ले वालों ने कमेटी डाली हुई है, वो बच्चा आपकी जो बात है अपनापन लग रहा है। सॉरी सॉरी अभी नहीं है,
मैं पार्टी के लड़के बुलाते ले आऊंगा, क्योंकि डांस पार्टी के बुला, डांस पार्टी के आऊंगा। नहीं देखो, मैं मोहल्ले में, हाँ अभी तो नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ भाई, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे बच्चे हो। देखो बात, ये बात सच है, इस बच्चे की बात नहीं कर रहा, आपके बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं, नेमत होते हैं। अबे रहमत लड़कियां होती हैं, कि ये बेटियां जो है ना, ये बेटियां वाकई नसीबों वाली होती हैं। अब आप देखो, एक बेटी का कहना है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, एक बेटी का कहना है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, पापा तो बस खिलौने लाते हैं लेकिन शाम पापा को लाती है। वाह 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 वाह। यार अगर आपके पड़ोस में भी कोई बेटी की पैदाइश हुई है तो आप अपने घर के कबूतर बेच दें। वाह 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 वाह। बेटा आपके कितने उड़ाते हैं, उनको सीटियां मारते हैं, बड़ी बारीक बात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। बेटा आपके कितने पापा हैं? मेरा मतलब क्या क्या कहते हैं, मेरे बहुत पापा हैं। नहीं नहीं, लोग फादर डे मनाते हैं ना, फादर डे, मैं फादर डेज मनाता हूं। बच्चा बिल्कुल मासूम है बेटा, फादर डेज यार, ये बच्चा बिल्कुल, ये बच्चा तो कोई है, बाप की इज्जत वो इज्जत होती है बेटा। आप अपने बेटा, बेटा आप अपने घर की बातें बाहर नहीं फैलाते, अम्मी अब्बू की बातें नहीं बताना हमें। हाँ मैं बताऊँ, मैं तो लड़कियों को भी ना जब खेलता हूँ तो मजार पे जाके खेलता हूँ। क्यों? उन्होंने जूतियाँ नहीं पहनी होती है। यार आप ये देखो, ये बात कर, आप ये देखो हमारे यहाँ फादर्स डे पे क्या होता है, क्या होता है? अबू गर्मी में काम पर गए हुए और बच्चे पंखे और एसी के नीचे लेटकर फादर्स डे का स्टेटस लगा रहे हैं। ये तुम औलादे हो आजकल की। तो मैंने ऐसा बात कर दी अंकल, मैंने क्या कर दिया था, सिर्फ लॉलीपॉप तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, देखो आप अच्छे बच्चे हो, आप अम्मी अब्बू की बातें बाहर नहीं किया करो, और अम्मी अब्बू जो घर में हरकतें करते हैं वो बाहर नहीं बताया करो बेटे। नहीं, मेरे अब्बू दोनों अम्मी से बहुत लड़ते हैं ना। हाँ लड़ते हैं ना, लड़ते हैं। किस टाइम, किस टाइम? हर टाइम। हाथापाई होती, हाथापाई होती बाकायदा। तो आप काम, आप बीच में रेफरी का काम करते हो? नहीं मैं बीच में नहीं आता। कम ऑन कबू, कम ऑन कबू, कम ऑन। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसने बहुत सच बोल दिया है, कड़वा सच बोल दिया है, ये सच बड़ा कड़वा है और तू बड़ा वो है, अच्छा इंसान जो तुमने सच बोला है। ये जो लोग माँ बाप लड़ते हैं आपस में, ये नहीं लड़ना चाहिए, बच्चे का असर पड़ रहा है। अब देखिए वो अपने घर की बातें बता रहे हैं, हमारे अम्मी अब्बू लड़ते हैं, बच्चों के सामने किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हाँ। हाँ। यार ये बचपन का दिन याद आ रहा है, वो कहते हैं ना कि जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। मुझको रखा छांव में, मुझे रखा छांव में, मुझको रखा छांव में और खुद जलता रहा धूप में। वाह वाह। मुझको रखा छांव में, हाँ। खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप। वाह 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 वाह। यार एक गाना मैं बोलूंगा यहाँ पे, हाँ। लोगों को सुने, वो है ना वो मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे वो, हाँ। आज बैठे बिठाए वो याद आ गए, हाँ। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे, दे कोई मेरा बचपन किसी और ला दे मुझे, दिन कितने अच्छे थे वो, आज बैठे बिठा, सही था ना, सही गाना कि जो बाप की कदर करता है ना, जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है ना वो कभी बदनसीब नहीं होता। रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, भाड़ में जाए हमें क्या करना है ऐसे प्यार का। भाई भाई भाई, हमें क्या करना है ऐसे प्यार का। बेटा लॉलीपॉप चूसे जा रहे हो, थोड़ा शो पे भी ध्यान दो बेटा। ये मुझे बताएं कि आपकी अम्मी आपके अब्बू का मोबाइल चेक करती है? क्यों? क्योंकि अब्बू भी अम्मी का मोबाइल नहीं चेक करते। आप यकीन करो, ये पैदा हुआ, डॉक्टर ने इसके अब्बू को कहा मुबारक हो आपके यहाँ 3 पाउंड का बेटा हुआ। इसके अब्बू कह रहे बेटा हुआ, केक हुआ 3 पाउंड। अंकल मैं तो जब पैदा हुआ मैं बहुत बड़ा पैदा हुआ था, बहुत बदली, मैं 2 दिन तक होता चला गया था। अच्छा खत्म ही नहीं वाला था। अच्छा अच्छा, तो अम्मी को तो अवार्ड मिला होगा फिर। वाह लक्स अवार्ड। क्या लक्स अवार्ड? लक्स अवार्ड। बेटा अपने माँ बाप का नाम कटवाने इस शो में आयो बेटा, और उन्होंने तो मेरी चीजें कटवा दी, उत्साह था हो रहा। क्या चीजें कटवाई तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे? भैया 2 दिन तक हुआ है तो चीजें कटवाई, जब ये निकला तो। हाँ यार आप देखो, इसकी बर्थडे पे केक थोड़ी काटते हैं, हाँ? इसको चौक पे ले जाके 10 कोड़े मारते हैं। और इसकी बर्थडे पे लोग तेज थोड़ी काटते हैं, क्या करते हैं? इसको चौक पे ले जाते हैं और दुनिया में वो कौन सा बादशाह है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? दुनिया का वो कौन सा बादशाह जिसके पास महल नहीं है? दुनिया दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? हुकुम का बादशाह, जंगल का बादशाह, शेर, दोनों बातें सही हैं। यार इतना घटिया आदमी, अभी 2 घंटे पहले मैंने उसको बोला, शो से पहले मैंने बोला यार दुआ करना मेरे खालू को, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे यकीनन आपके खालू ने कोई बदतमीजी की होगी। आपको पता है दुनिया का
आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा तरीन लिक्विड कौन सा है? कौन सा? कौन सा? आंसू, जिसमें 1% पानी होता है और 99% एहसास होते हैं। वाह 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 वाह। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिल को भी गुसल दिया करें, दिल को भी गुसल दिया करें तौबा के पानी से। आय हाय। और मैं अब आप दोनों ने सीरियस मूड कर दिया ना, मैं भी यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, वो दूसरों का जीना हराम करते हैं। और इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि हारना सीखो, हारना सीखो ताकि तुम्हें जीतने का तरीका आ सके। वाह 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 वाह। किसी ने क्या खूब कहा है कि बाप की तरह गम छुपाना तो सीख गया हूँ। बाप की तरह गम छुपाना तो सीख गया हूँ, लेकिन माँ की तरह सबर करना नहीं है। वाह 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 वाह। क्या बात कही आपने, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि फिर नहीं बसते वो जो दिल से एक दफा उतर जाते हैं। फिर नहीं बसते वो जो दिल से एक दफा उतर जाते हैं। फिर नहीं बसते वो जो दिल से एक दफा उतर जाते हैं, कब्रे जितनी भी सजा लो कोई जिंदा तो नहीं होता। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। ये मुझे लग रहा है मैंने कहां से याद किया, मैं जानता हूं आप यार, मुझे लगता है भाभी के हाथ से आप पिटे हैं लगे। नहीं, 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 नहीं। क्योंकि आपको ये कब्र ये चीजें याद आ रही है। नहीं ये याद आनी चाहिए। ये आदमी देखो बाद में को कहते हैं ना कि जियो जियो तो ऐसे जियो, कहते हैं कि जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो जैसे जिंदगी भर जिंदा रहना है, और मरो तो ऐसे मरो जैसे अगले ही लम्हे मर जाना है। कि भाई इश्क ने देखो क्या तबाही मचा रखी है, इश्क ने देखो क्या तबाही मचा रखी है, इश्क ने देखो क्या तबाही मचा रखी है, आधी दुनिया पागल और आधी शायर बना रखी। वाह वाह वाह। देखिए बच्चे आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी तालीम की बात करें, आप एजुकेशन की, आप दुनिया। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? वो साहब कहने लगे एजुकेशन करोगे तो पता लगेगा दुनिया गोल है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा दुनिया तो मतलब ही है। अच्छा बेटा एक बात बताओ जी, अंतर अब्बू आप मारते हैं आपको, अब्बू से मार खाते हो? मुझे अब्बू तभी नहीं मारते, किसी होती अमानत समझते थे। हाँ ये कैसी बातें कर रहे हो, किसकी अमानत समझते हैं भाई? मैं अब्बू मुझे नहीं मारते, क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू को मोहल्ले वाले मारते हैं। क्यों? क्यों क्यों क्यों? तो पैसे ले लेते, पैसे नहीं देते। फिर वो घर पे आते भी अम्मी उनको मारती है, ठीक है, फिर मम्मी तो मारते हैं। कत्ल में मैं बताता हूँ। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ बोले? दिल उसी से लगाओ। किससे? दिल उसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है। दाग दाग ना कर सब दागदार है, दाग दाग ना कर सब दागदार है, बेदाग तो बस वही है जो परवरदिगार है। वाह 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 वाह। इतनी सर्दी बातें चल रही है, आपने साला मुंह थीलिए चल दिया। मैं घर पे ये कहते आया था फनी थो है, उसमें अच्छी अच्छी की बातें होंगी। ये पति नहीं तो आपने इतनी वाहियात बातें की बेटा। तो यहाँ कौन सा मुतले हो रहे? ये बच्चा है यार, इसकी बातें तो सुनो। मैंने इससे पूछा बेटा, मैंने कहा बेटा रात को कितने बजे सोते हो? कह रहा अगर बुक उठा लूं तो 10 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 4 बजे। बुक और मोबाइल के अलावा आप क्या उठाते हैं रात? लॉलीपॉप। एक लॉलीपॉप आप कितनी देर तक चूसते हैं? मैं तकरीबन अंकल मुझे ना सुबह हो जाती है। ये आप इतने लॉलीपॉप चूसते हो बेटा, कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा तो अंकल है दांत में कीड़ा लग जाएगा। दांत की बात कर रहा हूँ, दांत में मैंने एक दांत में इसके दो दांत वाला सीरा है। आपके इस लॉलीपॉप में दवा भी है, मतलब वो आप दांतों में लगाते हैं? दवा भी है और इसमें मजा भी है। अरे यार तो बेटा कोई शायरी वायरी तो सुना के जाओ ना, हमने तो सबने सुना दी। शेर सुनाओ। मैं आपको सुनाता हूँ। लॉलीपॉप मुंह से बाहर निकालो। फूल दो तितमते होते हैं, फूल दो तितमते होते हैं, एक ताले में लगाते हैं, एक से दुल्हन बनाते हैं। दुल्हन तो मीठी होती है, मीठी मिठाई भी होती है, मिठाई की मीठी चीनी होती है, चीनी दन्ने से बचती है, दन्ने से तो नन्ना था, नन्ना था तो अल्लन था, अल्लन तो तलबूजा बहुत पसंद था, थलबूजा थलबूजे को देखते रंग बदलता है, रंग तो दुनिया में मशहूर है, मशहूर तो हम भी, तू तो हम खतरनाक है, खतरनाक तो भेलिया होता है, तू तो वो वफादार होता है, वफादार तो शेर होता है, शेर तो को तंतल होता है, तो को तंतल तो माधुरी है, माधुरी तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में सब लेते हैं, जिगल वाले लोग लेते हैं।